जय हिंद दोस्तों, मैं पप्पू कुमार साहब, फिर से स्वागत है आपके अपने टारगेट इंडियन आर्मी चैनल पे। सबसे पहले आज टॉपिक जो होगी, क्या आप अच्छी तरह से रनिंग कर पाते हैं, क्या जो क्वालिटी चाहिए रनिंग करने की आप में है, क्या आप रनिंग करते हैं तो आपको प्रॉपर टाप गिरती है, क्या आप रनिंग करते हैं तो आपकी सांस आपके अनुसार चलती है। दोस्त, उसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि रनिंग करने का सबसे अच्छा और वैज्ञानिक तरीका क्या है। मेरे दोस्त, सबसे पहली मैं बात करूँगा कि आप जब ग्राउंड पर आते हो तो कौन सी गलतियाँ और कौन सी आप वैज्ञानिक तरीके को झूठा साबित कर देते हो और अपने अनुसार लगते हो रनिंग करने। सबसे पहली बात जो होने वाली है, आप जब रनिंग करते हो उससे पहले आपका जो है, आप रनिंग करते वक्त आप अपने हाथ को, अपने शरीर को, अपने पैर को अच्छी तरीके से नहीं ढाल पाते हो। सबसे पहली मैं बात बताऊंगा यही कि आप जब रनिंग करते हो तो आपका टाप कहीं ना कहीं ऐसे गिरता है, किसी का ऐसे गिरता है और किसी का ऐसे गिरता है। कहने का मतलब किसी क्या है, किसी का पैर एंकल की तरफ से गिरता है, ऐसे ऐसे गिरेगा उसके बाद ऐसे पड़ेगा। किसी का टाप क्या होता है, पूरा बराबर पड़ता है, किसी का टाप क्या होता है, ऐसे पड़ता है। दोस्त, साइंटिफिक रीज़न ये है, वैज्ञानिक तरीका ये है कि हम जब रनिंग करते हैं तो पहले क्या करना है, आपको इसके बल नहीं गिराना है। दोस्त, ध्यान रखना है कि हमें इसके बल पैर को नहीं गिराना है, जैसे हम रनिंग करते हैं ना, इसके बल नहीं गिराना है। उसके बाद जब रनिंग करते हैं तो पूरा बराबर पैर गिराते हैं। इसके कारण क्या है, क्या गलतियाँ कर बैठते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहली गलती क्या होती है, जैसे हम इस पर पैर रखेंगे, ठीक है, इसको एड़ी बोलते हैं, इस एड़ी में पैर अगर हम दौड़ते समय रखेंगे बार बार, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ये कारण काम करते हैं कि एड़ी से पैर दौड़ने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके घुटने में दर्द हो जाता है। दोस्त, और कहीं ना कहीं हर बच्चे से पूछने लगते हैं, भाई मेरा घुटने में दर्द होने लगा है। दोस्त, ये हमारा क्या बहुत बड़ा गलती कर देते हैं कि हाँ, घुटने में दर्द होगा तो हम एक भी डे रनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर रनिंग कर भी लेते हैं, कम से कम 500 से 600 मीटर जाएंगे, उसके बाद दर्द और ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम ये दर्द महीना 2 महीना तक रह जाता है। अगर आप पंजे पे दौड़ते हैं तो अगर स्टार्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी ये प्रॉब्लम आएगी, आपको भी ये प्रॉब्लम कम से कम 1 से 2 महीने तक फेस करनी होगी। अगर आप बराबर पैर रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप सीमेंट वाले रोड पर ना दौड़ें। सीमेंट वाले रोड पर दौड़ने से क्या होता है, आपका स्टोमक पेन भी हो जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगा। दूसरा बात क्या होगा कि आपका एंकल सबसे अधिक जो दर्द होगा, सिन पेन और एंकल, ये दर्द करने लगे दोस्त, ठीक है। एंकल की बात करेंगे हम, एंकल सबसे अधिक रनिंग करने में जो सहायता करता है, हमारा एंकल ही करता है। क्योंकि जब बराबर सतह पे पैर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एंकल जो होता है बराबर सतह पे एब्जॉर्ब करता है और कहीं ना कहीं पीच पे दौड़ने में सहायता करता है। तो एंकल ही जब दर्द करने लगेगा तो कम से कम रनिंग हम कैसे कर पाएंगे। जस्ट एंकल के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हमारा, क्या होता है, सिन पेन होता है। ये वाला हिस्सा बहुत सारे बच्चों को पीच पे रनिंग करने से हो जाती है, दर्द होने लगती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है, आप इस गलती को ना करें। दूसरी बात ये क्या होगी कि हम सांस को कैसे लेते हैं। दोस्त, हमारा जो शरीर है, हमारा जो फेफड़ा है, कम से कम 6 लीटर सांस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। 6 लीटर, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, कि 6 लीटर सांस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। पर हम रनिंग करते हैं, क्या 6 लीटर सांस को ले पाते हैं? नहीं मेरे दोस्त, हम जब रनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी स्पीड जब बढ़ने लगती है, साइंटिफिक रीजन से जब हमारी स्पीड एकदम तेजी में बढ़ने लगेगी, तो क्या करेंगे हम कि अपने अंदर आधा लीटर सांस को लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। जैसे आधा लीटर ऑक्सीजन को लेते हैं, तुरंत क्या करते हैं, आधा लीटर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और कहीं ना कहीं जब स्प्रिंट मारने लगते हैं तो आधा लीटर ऑक्सीजन को लेने के बाद से और क्या करते हैं, हम 400 मीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलतियाँ हम लोग पहले से कर बैठते हैं और हमारा जो फेफड़ा है जल्द ऑक्सीजन को भर लेता है, इसके कारण हम चाह के भी रनिंग नहीं कर पाएंगे दोस्त। क्योंकि हमारा जो शरीर है नॉर्मल तरीके से 6 लीटर तक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और 6 लीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकता है एक बार में। लेकिन हम रनिंग करते समय गलतियों को देखने लगते हैं और कहीं ना कहीं उनको देख के कि वो मुंह खोल के दौड़ रहे हैं, हम नाक जोड़ेंगे। मैंने हर वीडियो में बताया कि आपका शरीर आपके अनुसार बना लेता है, पर आपको ये सोचना है कि जब आप रनिंग कर रहे हैं ना, तो कम से कम 3 से 4 स्टेप के बाद आप क्या करें कि अपना अपने सांस को लें, अपने सांस को छोड़ें। तो कम से कम ये बातें आपके अंदर चलनी चाहिए कि जब हम रनिंग कर रहे हैं तो अपने सांस को क्या करें, प्रॉपर तरीके से लें, प्रॉपर तरीके से छोड़ें, ठीक है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो कम से कम उसको 4 लीटर ही छोड़ पाते, 400 ग्राम ही छोड़ पाते, 400 ग्राम ही छोड़ पाते हैं और आधा लीटर हम ले पाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आधा लीटर लेंगे और 400 ग्राम छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 100 ग्राम हमारा ऑक्सीजन अंदर फेफड़े में बच जाएगा। यानी अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो क्या करता है, हमारा सांस क्या करता है, फूलने लगता है। अब फूलने लगे कहीं ऑक्सीजन को क्या पा रहे हैं, अंदर भर लेगा, तो क्या करें, हम चाह के भी रनिंग नहीं कर पाएंगे। और तीसरी गलती क्या होती है, जब हम रनिंग करते हैं सॉन्ग बजा के सुनते हैं। दोस्त, मोटिवेशन सॉन्ग से नहीं मिलती, मोटिवेशन किससे मिलती है, अपने रनिंग से, अपने जुनून से, अपने जज्बे से। हमें किसमें भर्ती होना है, किसमें नहीं भर्ती होना है, उससे मोटिवेशन मिलती है, ना कि सॉन्ग से मोटिवेशन मिलती है। और चौथी बात है, जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करते टाइम आप इधर उधर ना देखें। रनिंग करते हैं, बहुत से बच्चों को देखता हूँ, जैसे आप रनिंग करते हैं तो नीचे पैर क्यों देखेंगे,
कभी रनिंग करेंगे तो इधर देखेंगे, कभी रनिंग करेंगे तो इधर देखेंगे। इससे क्या होता है दोस्त, आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपके गर्दन जो होती है नेक होती है इसमें खिंचाव आएगा, मांसपेशियों का क्रैप आएगा, कहीं ना कहीं आपको ही ये प्रॉब्लम आएगी, आप इससे ग्रसित हो जाइएगा और कहीं ना कहीं आपको रनिंग नहीं हो पाएगी। आप क्या समझेंगे कि मैं जब सोया था तो क्या हुआ, चोर पकड़ लिया गले में, तो वो चोर नहीं पकड़ता है, आपकी गलतियों के कारण आपका जो होता है मांसपेशियों में खिंचाव, गर्दन में खिंचाव होता है, वो कहीं ना कहीं हो जाता है। आप जब रनिंग कीजिएगा तो रनिंग करते टाइम ऐसे ना इधर देखना है ना इधर देखना है, आपको क्या करना है स्ट्रेट ऐसे जब आप देख लिए ना ही ऊपर देखना है, आपको स्ट्रेट अपने गोल की ओर देखना है कि मुझे 5 किलोमीटर जाना है तो बस 5 किलोमीटर ही जाना है। एक गोल सेट कर लेना है अपने अंदर कि भाई मुझे 5 किलोमीटर आज रनिंग करनी है, तो दोस्त आप 5 किलोमीटर रनिंग कीजिएगा, ठीक है। ये गलतियों को आप ना धो रहे हैं दोस्त, ठीक है, ये सारी गलतियाँ आप अगर मानते हैं। और एक और गलती, आप बोलते हैं कि आपका स्टेप जो होता है नहीं गिरता है, आपकी जो रनिंग है, मैं छः महीने से रनिंग कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं टाइमिंग मेरी नहीं घट पा रही है दोस्त। और दोस्त दिमाग में रखना है कि आप अगर नए हैं तो हर रोज़ आप कम से कम 1 से 2 सप्ताह आप स्लोली स्लोली रनिंग कीजिए, ना कि बहुत से बच्चों को देख के आपके अंदर जुनून बैठ जाता है कि वो रनिंग तेज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साल एक साल डेढ़ साल की मेहनत है, आप 1-2 दिन में उसको मेहनत को भरपाया नहीं कर पाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और एक और गलती करते हैं, आपकी स्पीड क्यों नहीं बनती है, आप घर पे जाके हस्त मैथुन करते हैं दोस्त। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि घर पे जाके देखे वीडियो और उसके बाद हस्त मैथुन कर दिए, तो दोस्त ये नहीं करना है आपको। जब तक आप हस्त मैथुन से छुटकारा नहीं पाइएगा आपकी रनिंग कभी नहीं बनेगी दोस्त। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने जो जो टॉपिक बताया उसको नियमित तरीके से फॉलो करनी है, ठीक है। और स्टेप जब गिराना है तो अच्छी तरीके से अपने शरीर के अनुसार, सांस भी लेना है तो 4-5 ब्रेक के बाद सांस लेना है, सांस छोड़ना है, तो कहीं ना कहीं आपको ही ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ही ये बेनिफिट मिलेगा कि आप रनिंग को कैसे इम्प्रूव कर पा रहे हैं, रनिंग को कैसे कर पा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो बने रहे हमारे चैनल पर और देखते रहे हमारा चैनल टारगेट इंडियन आर्मी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।